तो दोस्तों आज हम बात करेंगे आयशर मोटर्स के स्टॉक के बारे में। आयशर मोटर्स के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रजिस्ट्रेशन देखने को मिल सकते हैं उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। हम अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो स्टॉक है हमको पहले यहाँ पर लगातार क्लियर डाउन ट्रेंड में देखने को मिल रहा था। पहले हमको यहाँ पर स्टॉक में लोअर हाई वाला पैटर्न यहाँ पर देखने को मिल रहा था, फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया, जिसके बाद से अभी हमको जो स्टॉक है ये लगातार यहाँ पर इस रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगर यहाँ पर स्टॉक अपने इस रेंज को ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक में अगेन एक अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। आज हमको यहाँ पर स्टॉक में 0.13% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। तो यहाँ से अभी हम स्टॉक में बात करें, यहाँ से अभी हमारे पास स्टॉक में 3438 का पहला यहाँ पर रजिस्ट्रेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक यहाँ पर इसको ब्रेक करेगा देन हमको यहाँ पर स्टॉक में 3503, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 3598, और अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको यहाँ पर ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 3671, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन 3749, और उसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 3844 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट यहाँ पर रजिस्ट्रेंस। तो यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आई तो यहाँ से गिरावट की कंडीशन में हमारे पास यहाँ पर स्टॉक में 3401 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिलेगा। अगर स्टॉक ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया देन हमको यहाँ पर स्टॉक में 3365, और अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 3309 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट यहाँ पर सपोर्ट। तो ये स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाई सेल होल्डिंग सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। धन्यवाद।